हेलो एंड वेलकम टू अप न्यूज़। मेरा नाम तोहिदुर रहमान है, मैं हूँ टीम अपस्किल से। और अप न्यूज़ वो सेक्शन है जहाँ पे हम लोग इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी इस हफ्ते हुआ है वो आपके साथ यहाँ पे शेयर करते हैं। तो आज मैं बता दूँ कि आज के इस अप न्यूज़ में जो है मैं जितने भी शेयर करूँगा वो सारे आपके अपडेट्स और जो न्यूज़ है वो गूगल से रिलेटेड ही है। तो आगे शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज हम लोग जो है यहाँ पे क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम ये कवर करेंगे कि गूगल का जो है दिसंबर 2020 का कोर अपडेट वो रोल आउट होना शुरू हो गया है। दूसरा हम यहाँ पे बात करेंगे कि गूगल डिस्कवरी एड्स में अब आप 4:5 के सोशल इमेज एसेट्स यूज़ कर पाएंगे। तीसरे यहाँ पे बात करेंगे कि गूगल जो है अपने गूगल मैप्स में और भी ज़्यादा डिस्कवरी ऐड कर रहा है, जहाँ पे उन्होंने कम्युनिटी फीड जो है ऐड कर दिया है। चौथा यहाँ पे हम बात करेंगे कि गूगल मैप्स में अब जो है यहाँ पे गूगल लोकल बिजनेस मैसेज और मैप क्वेरी एनालिटिक्स भी ऐड कर रहा है, उसमें एक्सपैंड कर रहा है। और जो लास्ट न्यूज़ यहाँ पे हम कवर करेंगे वो ये है कि गूगल ने यहाँ पे बताया कि भाई जो पेज एक्सपीरियंस सिग्नल है रैंकिंग के लिए वो फिलहाल जो है अभी आपके मोबाइल के लिए ही अप्लाई होगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक नए व्यूअर हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि हम जब भी ऐसे वीकली अपडेट्स दें आपको उसके नोटिफिकेशंस आप कभी भी मिस ना करें। तो सबसे पहले यहाँ पे न्यूज़ की बात करें तो गूगल जो है यहाँ पे उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि वो लोग जो है एक नया कोर अपडेट यहाँ पे रोल आउट कर रहे हैं। अब इसका जो है नाम इन्होंने द दिसंबर 2020 कोर अपडेट दिया है। वहीं पर मैं आपको बता दूं कि ये जो है इस साल का तीसरा कोर अपडेट है, जहाँ पे जो पहला कोर अपडेट था वो आपका जनवरी को हुआ था, सेकंड जो है वो आपका मई महीने में लॉन्च हुआ था, वहीं पे अब जो है तीसरा अभी दिसंबर में वो लोग यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं। वह पे मैं आपको बता दूं कि गूगल जो है यहाँ पे हर कुछ महीने में जो है अपना जो भी कोर गूगल एल्गोरिदम है उसको यहाँ पे अपडेट करता है। जहाँ पे मैं बता दूं कि अभी जो है मई में जब ये कोर अपडेट आया था उसके बाद जो है ये 7 महीने बाद जो है ये अपडेट आ रहा है। जहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो मई में अपडेट आया था वो आपका 4 मई को था, वहीं पे ये वाला जो कोर अपडेट है उसमें थोड़ा सा इसमें टाइम लग गया। बताया ये जा रहा है कि ये जो सारा कोरोना का और पैंडेमिक का सीन हुआ इसके वजह से थोड़ा सा यह है। इसकी जो जानकारी है गूगल ने ट्वीट करके दिया, जहाँ पे उन्होंने बताया कि भाई वो लोग इसको जो है दिसंबर 2020 का कोर अपडेट बोल रहे हैं और इसको जो है वो लोग बहुत जल्द रोल आउट करना शुरू कर देंगे। वे पे मैं बता दूं कि गूगल ने यहाँ पे ये भी स्पेसिफाई किया है कि ये जो आपका कोर अपडेट है वो जितना भी आपका फुली रोल आउट होने के लिए मिनिमम 2 से 3 वीक्स यहाँ पे लगेंगे, इसके बाद ही जो है वो सबके लिए जो है मतलब जितने भी जगह पे है पूरा वो रोल आउट हो जाएगा। के साथ ही मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो कुछ अपडेट्स आए थे वहाँ पे ये बताया गया है कि जितने भी आपके वेब मास्टर्स और SEO एक्सपर्ट हैं उन्होंने कहा था कि ये जो कोर अपडेट्स आए थे वो रिलेटिवली वीक थे, क्योंकि इसके वजह से जो भी आपके साइट्स थे उनमें जो है उनके रैंकिंग्स में और उनमें ज़्यादा जो है यहाँ पे डिफरेंस देखने को नहीं मिला था, कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं हुई थी। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो आपका नवंबर वाला जो गूगल का आपका कोर अपडेट आया था वो मैं आपको बता दूं कि वो स्पेसिफिक आपके लोकल रैंकिंग्स को लेके था। वहीं पे मैं आपको बता दूं कि गूगल ने जो है यहाँ पे कुछ एडवाइस दिया है, जहाँ पे अगर ये कोर अपडेट के बाद कोई अगर आपके साइट में कुछ नेगेटिव इंपैक्ट पड़े तो उसके लिए क्या करना है, इसके बारे में उन्होंने थोड़ा सा बताया। तो उन्होंने ये बताया कि हालांकि एज सच कोई स्पेसिफिक एक्शंस नहीं है जिसके वजह से जो है आप जो भी डैमेज हुआ है उसको आप रिकवर कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने बोला है कि अगर एक नेगेटिव जो है रैंकिंग है जिसके वजह से इम्पैक्ट पड़ रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक जो है सिग्नल हो कि यहाँ पे जो है आपके पेजेस के साथ दिक्कत है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वहीं पर मैं बता दूँ कि यहाँ पे गूगल ने जो है कई सारा एक तरीके से लिस्ट उन्होंने ऑफर किया है, जहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि किस वजह से जो है आपका जो ये जो अपडेट आएगा कोर अपडेट इसके बाद आपके साइट को कैसे हिट हो सकता है। तो इसका जो भी एक बहुत सारे लंबे क्वेश्चनर्स हैं उसका जो है मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ज़रूर चेक कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो मैं यहाँ पे ऐसे तो नहीं बता पाऊंगा, तो आप ज़रूर उसको चेक कर लीजिएगा। वहीं पे गूगल ने यह भी मेंशन किया कि ऑल्दो आप जो है यहाँ पे जो भी आपके कोर अपडेट्स होते हैं वहाँ पे आप थोड़ा बहुत रिकवरी तो देख सकते हैं, लेकिन आपको जो मेजर जो चेंजेस है वो तभी आपको देखने को मिलेगा जब कोई दूसरा जो है यहाँ पे कोर अपडेट आएगा, उसके बाद ही वो सारे चेंजेस आप देख पाएंगे। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि गूगल जब भी यहाँ पे इनके जो सर्च रैंकिंग एल्गोरिदम्स है उसको अपडेट करता है तो यहाँ पे ये मतलब हो सकता है कि जो भी आपकी साइट है वो या तो सर्च रिजल्ट पे बढ़िया करेगी या फिर उसमें कुछ दिक्कत आएगी। जो भी केस हो यहाँ पे इन अपडेट से ये पता चल जाता है कि या तो आपके साइट में यहाँ पे कुछ जो है दिक्कत है या फिर गूगल ने कुछ जो है अपडेट किया है आपके एल्गोरिदम में जिस वजह से जो है आपके जो साइट है उसमें कुछ इंपैक्ट आपको देखने को मिला है। जहाँ पे अब जो ये लेटेस्ट अपडेट आ रहा है तो यहाँ पे आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो भी आपके एनालिटिक्स है और रैंकिंग्स है उसमें ज़रूर देखिएगा और आपको पता चल जाएगा कि क्या आपके साइट में कोई इशू है या फिर ये सिर्फ जो कोर अपडेट है उसके वजह से ही आपको कुछ दिक्कत फेस हो रही है। बात करें यहाँ पे हम अगली न्यूज़ की, तो यहाँ पे जो है गूगल ने डिस्कवरी एड्स के लिए यहाँ पे अपडेट जो है अनाउंस कर दिया है, जहाँ पे उन्होंने ये बोला है कि अब आप 4:5 का जो पोर्ट्रेट एस्पेक्ट रेशियो का लेआउट है वो अब डिस्कवरी एड इमेजेस में आप ऐड कर पाएंगे, जिससे कि जो
वो जो है आपके फीड्स में और भी ज़्यादा प्रोमिनेंटली शो करेगा। वहीं पर मैं आपको बता दूं कि गूगल जो है यहाँ पे अपडेट्स लेके आ रहा है, जहाँ पे आपका जो ऑडियंस सिलेक्शन वर्कफ्लो है डिस्कवरी कैंपेन्स में, उसके लिए भी एक अपडेट लेके आ रहा है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, ये जो आपके ऑडियंस वर्कफ्लो जो है, जो आपके डिस्कवरी कैंपेन्स है, वो आपके यहाँ पे यूट्यूब, जीमेल और डिस्कवरी फीड के लिए जो है यहाँ पे उनको चलाए जाते हैं। इसके साथ ही अगर आप ऑलरेडी जो है यहाँ पे सोशल कैंपेन्स चला रहे होंगे, तो आप जो है यहाँ पे ऑलरेडी 4:5 के जो एसेट्स हैं वो फेसबुक और इंस्टाग्राम फीड और स्टोरीज़ के जो एड्स है उसमें आप उसको यूज़ कर पा रहे होंगे, और अब जो है ये अब आप डिस्कवरी कैंपेन्स के लिए भी यूज़ कर पाएंगे। जो रिकमेंडेड स्पेक्स है पोर्ट्रेट इमेजेस के लिए, वो यहाँ पे जो है 960x1200 जो है वो एस्पेक्ट रेशियो बताएगा, जहाँ पे जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है आपकी 480x600। आपको यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे एक और ध्यान रखने की बात है कि यहाँ पे जो है आपको एटलीस्ट एक लैंडस्केप और स्क्वायर इमेज जो है वो यूज़ करनी पड़ेगी अपने डिस्कवरी एड्स में, जहाँ पे गूगल जो है यहाँ पे ऑटोमेटिकली इमेजेस को जो है सिलेक्ट कर लेता है जो भी उस फॉर्मेट का जो है उसके बेस्ड पे, जहाँ पे यहाँ पे जो है कई सारे फैक्टर्स यहाँ पे मौजूद होते हैं। वहीं पे अगर अब हम यहाँ पे ऑडियंस वर्कफ्लोज की बात करें, गूगल जो है यहाँ पे बहुत जल्द एक आपको एस्टिमेटेड कन्वर्जन वॉल्यूम लिफ्ट जो है वो आपको शो करने लगेगा, जहाँ पे जो ऑडियंस एक्सपेंशन है वो अब आप जब आप कैंपेन को सेटअप करते हैं वहाँ पे जो है अब आप इनेबल कर पाएंगे। गूगल का ये कहना है कि जो उनका जो इंटरनल डेटा है वो यहाँ पे ये शो करता है कि जो ऑडियंस एक्सपेंशन है डिस्कवरी एड्स के लिए वो आपका ऑन एवरेज 52% का जो है यील्ड देता है, जो कि एक तरीके से आपके कन्वर्जन्स में लिफ्ट की तरह जो है वो काम करता है। वहीं पे मैं आपको बता दूं कि ये जो है बेसिकली आपके नए कस्टमर एक्विजिशन के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। इसके अलावा आपको यहाँ पे ऑडियंस एक्सपेंशन के लिए रिपोर्टिंग भी देखने को मिल जाएगी, जो कि आपका टोटल एक्सपेंशन है, जो कि आपका जो है एक रो की तरह होगा, वो आपको यहाँ पे जो ऑडियंस टैब है गूगल एड्स यूआई में, उसको आपको सबसे ज़्यादा जो बॉटम है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसमें जो है आपको जो भी परफॉर्मेंस मेट्रिक्स है ऑडियंस एक्सपेंशन का, जो भी आपने ऑडियंस ऑलरेडी अप्लाई किए होंगे वो भी आपको यहाँ पे शो करेगा उनका परफॉर्मेंस। इसके साथ ही ये जो है आपका एड ग्रुप, कैंपेन और अकाउंट लेवल पे भी अवेलेबल है। इसके साथ ही जो एडवर्टाइजर्स है वो यहाँ पे ऑडियंसेस को एक्सक्लूड कर पाएंगे, जहाँ पे जो भी आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको आप यहाँ पे एक्सक्लूड कर पाएंगे जब आप उसको जो है कैंपेन सेटअप कर रहे होंगे उसी वक्त, रादर कि जब आप उसको कैंपेन आपने क्रिएट कर लिया हो उसके बाद आप उसको एक्सक्लूड कर पाए। कहने का मतलब ये है कि आप शुरू में ही उसको एक्सक्लूड कर पाएंगे। बात करें यहाँ पे अगली न्यूज़ की, तो यहाँ पे जो है गूगल अपने जो गूगल मैप्स है उनमें सोशल फीचर जो है यहाँ पे डेवलप कर रहा है, जहाँ पे अब जो है वो एक नया कम्युनिटी फीड जो है वो लोग रोल आउट कर रहे हैं, जहाँ पे आपको जो है ये आपका जो भी गूगल मैप्स में एक्सप्लोर टैब है वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो है आपका बताया जा रहा है कि एंड्रॉयड और जो आईफोन है वो उन दोनों के लिए ग्लोबली जो है ये रोल आउट होगा। इसके साथ ही मैं आपको बता दूँ कि गूगल ने जो है लास्ट नवंबर में ही जो यूज़र्स हैं उनको यहाँ पे ये क्या बोलते हैं कि एक तरीके से इनेबल कर दिया था कि वो लोग जो है जो भी लोकल गाइड्स हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। वहीं पे ये जो है ये इस वजह से किया गया था कि जो भी आपका लोकल डिस्कवरी है उसके नाम पे जो है इसको किया गया था। उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे जो है एक्सपैंड करते हुए गूगल का जो न्यू कम्युनिटी फीड है वो एक तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्टेंट जो है जो भी यूजर्स लोकेशन से टाइड होगा वो यहाँ पे आपको प्रेजेंट करेगा। वहीं पे अगर यहाँ पे हम बात करें प्लेसेस और एक्टिविटीज़ की, तो यहाँ पे जो है बहुत सारे रेंजेस हैं यहाँ पे एक्टिविटीज़ और प्लेसेस के, जो कि आपका शोकेस होगा गूगल मैप्स में, जहाँ पे ये जो लिस्ट है वो आपका अपेयर होगा वही, जो कि यहाँ पे जो भी गूगल लोकल गाइड्स हैं उन्होंने उसको कंपाइल किया होगा, वही लिस्ट जो है आपको यहाँ पे शो करेगा। एग्जांपल के तौर पे जैसे पार्क्स और गार्डन्स हो गए, या फिर कोई सिटी लोकल फेवरेट हो गया, या फिर कोई भी अगर कुछ आपका पसंदीदा कुछ जगह हो, कोई रेस्टोरेंट वगैरह हो या कुछ हो, तो वो आपका जो है यहाँ पे आपको शो करेगा। और ये जो लिस्ट है वो आपकी लोकेशन के हिसाब से जो है चेंज होती है, और ये आपको जो है ऐसा शो नहीं होता कि ये जो है आपको जेनरिक तौर पे दिखेगा। इसके साथ ही यहाँ पे देखने वाली चीज़ होगी कि क्या गूगल जो है जो कम्युनिटी फीड है उसको एक्टिवली प्रमोट करता है। इसके साथ ही जो नंबर ऑफ डिस्कवरी टूल्स है यहाँ पे मैप्स में, क्या उनको भी यहाँ पे जो है वो प्रमोट करता है कि नहीं। इसके साथ ही मैं बता दूँ कि हालांकि ये अभी क्लियर नहीं है कि कितने लोग जो है इस क्या बोलते हैं जो एक्सप्लोर या फिर अपडेट्स टैब है उनको ऐप्स में यूज़ करते हैं, लेकिन मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूँ तो भाई अगर एक छोटा सा फ्रैक्शन भी उनके जो लोग हैं वो भी अगर यूज़ करें, जहाँ पे ये बताया जा रहा है जो ओवरऑल बेस है वो 1 बिलियन मंथली यूज़र्स का है, अगर उसमें से एक छोटे से फ्रैक्शन के लोग भी इसको यूज़ करें तो यहाँ पे जो है ये नंबर काफ़ी बड़ा हो जाता है। बात करें यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की, तो यहाँ पे जो है गूगल वो अब दो अपडेट्स को जो है यहाँ पे रोल आउट कर रहा है, जहाँ पे पहला तो होगा आपके गूगल मैप्स के लिए, दूसरा है आपके गूगल माई बिजनेस के लिए, जहाँ पे जो कंज्यूमर है और जो बिजनेस ओनर्स हैं उन दोनों के लिए ये अपडेट्स जो है
काफ़ी सही होने वाले हैं। कैसे मैं बता दूं, तो भाई जो मैसेजिंग है वो यहाँ पे एक्सपेंड किया जा रहा है, जिसके वजह से जो भी कंज्यूमर्स हैं वो अब यहाँ पे बिजनेसेस को जो भी हैं उनको मैसेज कर पाएंगे, जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि काफ़ी जो है हेल्प मिलने वाली है कंज्यूमर्स को। इसके साथ ही बिजनेस ओनर जो है वो अब यहाँ पे लोकल मैप इनसाइट्स और एनालिटिक्स जो है वो भी देख पाएंगे, जहाँ पे वो लोग ये समझ पाएंगे कि कंज्यूमर जो है उनको कैसे गूगल पे ढूंढ पा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे बात करें मैसेजिंग की, तो कस्टमर जो है अब गूगल मैप्स को यूज़ करके जो भी बिजनेसेस हैं उनको मैसेज कर पाएंगे, जहाँ पे वो लोग जो है अपने बिजनेसेस प्रोफाइल के थ्रू जो है जो भी गूगल मैप्स में अवेलेबल होता है, जो कि आपका यहाँ पे अपडेट सेक्शन में अवेलेबल होता है, वो अब आप गूगल पोस्ट के थ्रू उनको जो है जो मतलब बिजनेसेस हैं उनको यहाँ पे आप मैसेज कर पाओगे। इसके अलावा जो भी बिजनेस ओनर्स हैं वो यहाँ पे इन मैसेजेस को गूगल माई बिजनेस ऐप, गूगल मैप्स का जो ऐप है वो, और जो गूगल सर्च है जो भी आपका कस्टमर्स मेन्यू में होता है बिजनेस प्रोफाइल में, उसके थ्रू आप जो है यहाँ पे देख पाएंगे। इससे पहले क्या होता था, जो भी आपका मैसेजिंग जो है वो गूगल माई बिजनेस ऐप से होता था, और उससे पहले जो है टेक्स्टिंग से भी हुआ करता था। इसके साथ यहाँ पे ऐड ये भी किया गया है कि अगर कोई सर्चर किसी बिजनेस को कॉल करने को ट्राई करता है और वो जो बिजनेस है आंसर नहीं करता, तो उस सर्चर को जो है एक प्रॉम्प्ट आ जाएगा, जहाँ पे वो उस बिजनेस को भी मैसेज जो है सेंड कर पाएगा। इसके अलावा जो गूगल है वो इस जो मैसेजिंग है उसको टेस्ट कर रहा है, जहाँ पे जो अपडेट सेक्शन है उसमें जो है वो लोग सितंबर से इसको जो है गूगल पोस्ट जो है उसके थ्रू जो है उसको टेस्ट करने में लगे हुए हैं। इसके अलावा गूगल जो है यहाँ पे एक इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस मैट्रिक्स जो है जो भी आपके बिजनेसेस हैं गूगल माई बिजनेस में उनके लिए भी एक इसको रिलीज़ कर रहा है। वहीं पे मैं आपको बता दूँ कि ये जो है कुछ अपडेट्स पहले वो रोल आउट कर चुके हैं कुछ महीने पहले, जहाँ पे अब जो है गूगल ये कह रहा है कि वो जो है बहुत जल्द और भी ज़्यादा जो है ये जो मैट्रिक्स है वो रोल आउट करेगा, जहाँ पे जो बिजनेसेस हैं उनको एक डीपर अंडरस्टैंडिंग होगी कि कैसे जो है कस्टमर जो है उनको डिस्कवर करते हैं, उनके बिजनेस प्रोफाइल को कैसे वो लोग जो है डिस्कवर करते हैं। इसके साथ ही गूगल जो है आपको बहुत जल्द ये भी शो करने लगेगा कि क्या जो वो कस्टमर है उसने आपको गूगल मैप्स के थ्रू आपके बिजनेस का पता लगाया या फिर सर्च के थ्रू पता लगाया। इसके अलावा यहाँ पे जो है ये भी पता चल पाएगा कि उस कस्टमर ने जो है क्या उस बिजनेस को कंप्यूटर के थ्रू पता लगाया या फिर किसी मोबाइल डिवाइस के थ्रू पता लगाया। वहीं पे ये भी बताया गया कि ये जो परफॉर्मेंस इनसाइट्स है वो आपका जो है अब 6 महीने तक अवेलेबल होगा, ऐसा गूगल ने कहा है। प्रीवियसली जो है ये बताया गया था कि आप जो है अपने डेटा को 3 महीने तक जो है आप यहाँ पे देख सकते थे, बट आप जो है इसको आप 1 महीने से लेकर 6 महीने तक जो है जो भी डेटा का टाइम है उस टाइम पीरियड तक जो है आप मतलब कि 6 महीने तक आप जो है देख पाओगे। बात करें यहाँ पे अगली न्यूज़ की, तो गूगल का जो आपका FAQ पेज आंसर्स क्वेश्चंस है वहाँ पे किसी ने उनसे ये पूछा है कि व्हाई आर देयर डिफरेंसेस इन स्कोर्स बिटवीन मोबाइल एंड डेस्कटॉप एंड इज़ देयर अ डिफरेंस बिटवीन डेस्कटॉप एंड मोबाइल रैंकिंग। ये आपका जो है जो भी आपका पेज एक्सपीरियंस सिग्नल है रैंकिंग के लिए वो उसके रिगार्डिंग जो है पूछा गया है, जहाँ पे गूगल ने बताया कि एट दिस टाइम यूजिंग पेज एक्सपीरियंस एज अ सिग्नल फॉर रैंकिंग विल अप्लाई ओनली टू मोबाइल सर्च। कहने का मतलब ये है कि जो भी आपके मोबाइल सर्च के लिए है, मतलब ये है कि आपके वेबसाइट को या फिर आपके साइट को जो है वो मोबाइल फ्रेंडली बनाने की ज़रूरत है, इस वजह से जो है जो भी पेज यूज़र एक्सपीरियंस है वो जो है यहाँ पे आपका सही हो पाए। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो आने वाला पेज एक्सपीरियंस अपडेट है वो ये सिग्नल करता है कि गूगल जो है यहाँ पे जो भी साइट ओनर्स है वो चाहता है कि जो भी साइट ओनर्स है वो यहाँ पे अपना जो फोकस है वो मोबाइल यूज़र एक्सपीरियंस पे जो है अभी फ़िलहाल ज़्यादा डाले। वहीं पे उन्होंने मतलब गूगल ने ये भी कहा है कि वो लोग जो है यहाँ पे जो विजुअल इंडिकेटर है सर्च रिजल्ट में उसकी टेस्टिंग भी यहाँ पे वो लोग शुरू कर देंगे, जो कि आपके पेजेस को हाईलाइट करेगा, जिससे जो है ये पता चलेगा कि उस पेज का जो है एक ग्रेट यूज़र एक्सपीरियंस है कि नहीं। वहीं पर मैं बता दूं कि जो भी बिजनेसेस हाईली कॉम्पिटिटिव सेक्टर्स में हैं, जहाँ पे जो क्वालिटी कॉन्टेंट है उसको लेके जो है अगर सीरियस नहीं है, तो अभी जो है आपके पास टाइम है, आप जो है जो भी आपका यूज़र एक्सपीरियंस है उसको इम्प्रूव करना शुरू कर दीजिए, ताकि जो भी जब ये अपडेट आए तो जो भी रैंकिंग्स है उसमें जो है आप लोग यहाँ पे एडवांटेज ले पाए। इसके साथ ही जो FAQ पेज है उसमें आपको ऑलरेडी इनसाइट्स सप्लाईज हैं, जहाँ पे गूगल जो है कैसे यूज़र एक्सपीरियंस को जो भी आपके मोबाइल में है उसको कैसे एसेस करता है, और जो डेस्कटॉप है उसको कैसे एसेस करता है, और कैसे जो है बाकी जो टेक्नोलॉजीज है उसको यूज़ करके और उन एक्सपीरियंसेस को कैसे डिलीवर करता है उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। मैं बता दूं कि इसका जो है एक आर्टिकल भी है, उसका मैं जो है लिंक ज़रूर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो यहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें ये आपको पता चलेगा कि जो भी आपका गूगल पेज एक्सपीरियंस का अपडेट है उसको कैसे आप यहाँ पे जो है अपने साइट के लिए एवेलुएट कर पाओगे।
तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको जो है आज का न्यूज सेक्शन पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने फेलो डिजिटल मार्केटर्स के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा, और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और आप तब तक देखते रहिए अपस्किल को। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thank you.